वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनी स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों, जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, बिल्कुल ऑफिशियली UP NHM भर्ती परीक्षा 2021 2700 प्लस और 1400 प्लस के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंदर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या रिजल्ट को रोक दिया गया है, रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर वीडियो बनाओ। जी हाँ दोस्तों, और कल जो है ऑफिशियली यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ी न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। पूरी जानकारी देंगे, पहले न्यूज क्या है इसकी जानकारी दे देंगे, साथ ही ऑफिशियली हम आपको प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके बाद जो है आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, नीचे आप लोग कमेंट कर दो। इसका जो वीडियो है हम अलग से स्पेशल वीडियो लॉन्च करेंगे, तो पहले इसकी जानकारी देख लेते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जल्दी से दोस्तों जॉब इंडिया को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। चलिए ऑफिशियली न्यूज देख लेते हैं। अब देखिए, यह ऑफिशियली न्यूज है और मैं आपको प्रूफ दिखा दूं, तो यह कल की न्यूज है जिसमें आप लोग देखिए। सबसे पहले लखनऊ शुक्रवार 26 फरवरी 2021 पेज नंबर 2 पर आपको पूरी न्यूज मिल जाएगी। तो पेज नंबर 2 पर लखनऊ शुक्रवार 26 फरवरी 2021 बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज है। अब ऑफिशियली न्यूज क्या निकल के आ रही है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे देखिए NHM में छिना महाप्रबंधक मानव संसाधन से प्रशिक्षण का कार्यभार। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सबसे पहले देखिए, साफ साफ बोला गया है कि NHM में छिना महाप्रबंधक मानव संसाधन से प्रशिक्षण का कार्यभार अमर उजाला ब्यूरो मानव संसाधन विभाग में एक पखवाड़े में दूसरी कार्रवाई। जी हाँ, सबसे पहले देखिए, लखनऊ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में मानव संसाधन विभाग के उप महाप्रबंधक अमित श्रीवास्तव को हटाने के बाद अब महाप्रबंधक सुधा यादव से प्रशिक्षण का कार्यभार ले लिया गया है। निदेशक अपरा उपाध्याय ने प्रशिक्षण अनुभाग का कार्य महाप्रबंधक क्वालिटी एश्योरेंस विभाग की महाप्रबंधक डॉक्टर अर्चना वर्मा को सौंपा है। निदेशक ने एक पखवाड़े में दूसरी बार मानव संसाधन विभाग में बदलाव किया है। एक पूर्व महाप्रबंधक की नर्सिंग भर्ती में गड़बड़ी के चलते बर्खास्तगी हो चुकी है, जबकि बीते सप्ताह NHM में भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा से एक दिन पहले उप महाप्रबंधक को अनुभाग से हटाकर दूसरी जगह संबद्ध किया गया था। इसके अलावा NHM के माध्यम से स्टेट फाइनेंस कम लॉजिस्टिक के पद पर कार्यरत रोहित खेतान को राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में राष्ट्रीय कार्यक्रम संचारी रोग विभाग से संबद्ध किया गया है। रोहित JALC कंपनी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर तैनात हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अभी आप लोग रिजल्ट वेट करिए, आपका जो है 100% रिजल्ट आएगा। अभी जो है रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं है, मैंने मेल कर दिया गया है, मैंने मेल किया है, जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले बता दूं, तो ये बहुत सारी न्यूज निकल के आ रहे हैं जिसमें बोला गया है कि भर्ती में गड़बड़ी है और अभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी यहाँ पे न्यूज अभी निकल के ऑफिशियली नहीं आ रही है। अमर उजाला की न्यूज यहाँ पे देख सकते हो, अमर उजाला न्यूज सबसे बेस्ट न्यूज है और बिल्कुल ऑफिशियली कन्फर्म करके यह न्यूज जो है यहाँ पे पब्लिश करता है, अखबार में जो है छापता है। तो बता दूँ, अभी दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ प्रॉब्लम्स है, बट अभी ये जो है खुल के निकल के नहीं आ रही है। सेम्स की तरफ से और UP NHM की तरफ से जो है कुछ प्रॉब्लम्स हो निकल के आ रही है। और मैं आपको बता दूँ, अभी आप लोग वेट करिए। देखिए, अभी जो UP NHM 1400 प्लस का जो है अभी यहाँ पे आंसर के भी जारी नहीं किया गया है, तो कैसे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। बट बता दूँ, 2700 प्लस का, तो अभी 2700 प्लस का जो रिजल्ट है लगभग 100% मार्च में ही जारी किया जाएगा, और जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं पहले लेके चलता हूँ आपको ऑफिशियली जो है वेबसाइट पर, और साथ ही मैं आपको बता दूँ यहाँ पर क्या न्यूज के निकल के आ रहा है कि आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर रखी है और इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको बता दूं, 1400 प्लस
पहले यहाँ पे अपडेट आप लोग देख लो, अभी कोई भी अपडेट वैसे जारी नहीं की गई है, कोई भी अपडेट वैसे जारी नहीं की गई है, बट अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कमेंट कर दिया है, मैंने मेल जो है वहाँ पे RTI फाइल कर दिया गया है। जैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो बनाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो जो 1400 प्लस है UP NHM 1400 प्लस, इसका जो आंसर की है अभी जो है कंफर्म नहीं है, बट अब जो है यहाँ पे लगभग मार्च में ही जारी किया जाएगा। 100% जो है आपका मार्च में जारी किया जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, भर्ती में कुछ गड़बड़ी होती है, तो यह जो है 1400 प्लस में होगी। 1400 प्लस में ही कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और 2700 प्लस का जो है यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट है, 2700 प्लस का जो है कंप्लीट है। इसका अभी जो है इंटरव्यू नहीं होगा। जो 2700 प्लस 9 पोजीशन का है, इसका जो है मार्च में ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। मार्च में मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा और इसका जो है मार्च में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। बाकी जो 1400 प्लस है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है रिजल्ट से रिलेटेड। एक दिन पहले जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उप महाप्रबंधक को भी हटा दिया गया था, और इसके बाद जो है फिर से यहाँ पे न्यूज़ में निकल के आ रही है। और ऐसे बहुत सारी न्यूज है, 21 फरवरी को न्यूज़ में निकल के आ रही थी, तो बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रहे हैं और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूँ UP NHM 2700 प्लस का यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग वेट करिए, मार्च में मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और UP NHM 1400 प्लस के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अभी इसका आंसर के भी जारी नहीं किया गया है। आप लोग देख सकते हैं जिसमें 14 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था और 14 फरवरी को बाद जो है अभी आप लोग देखिए तो लगभग 14 दिन होने वाले हैं, है ना, 2 सप्ताह हो चुके हैं, अभी इसका ऑफिशियली जो है आंसर के भी जारी नहीं किया गया है। तो जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट कर दो। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।